जब व्हीकल चेकिंग कर रहे थे, एक गाड़ी अगरतला से आसाम की तरफ जा रहा था। जब रेगुलर व्हीकल चेकिंग में उसको जब सिग्नल दिया रोकने के लिए, बोला कि थोड़ा आगे जाके रोक देगा। थोड़ा आगे जाके वो भाई हमको डाउट आया कि वो रुक के बिना रुक के भाग रहे, तो लेकिन कांस्टेबल उसके पीछे करना शुरू कर दिया, तो वो गाड़ी वहीं पर बंद करके वो खुद के वहाँ से भाग गए। इसके जैसे ही वो भाग गए, पहले हम लोग उसको पकड़ने के लिए कोशिश किए थे, गाड़ी के पास दो तीन कंस्टेबल खड़े रहा, उसको पकड़ने के लिए कोशिश किए थे, तो वो भाग गया, तो वो चप्पल भी छोड़ के वहाँ से भाग गया। हम लोग उसको पकड़ने के लिए भी कोशिश की। उसके बाद हम लोग इसमें पूरा सर्च किया, तो जब वहाँ से देखा कि हमको डाउट आया कि इसमें की कॉन्ट्राबैंड है गांजा, तो फिर हम रंजित दास ने उसको फिर थाने में लेके आए, तो मुझे भी इन्फॉर्म किया जैसे ऐसा हो गया, जैसे मुझे उसने इन्फॉर्म किया कैसे हो गया, तो मैं भी तुरंत पहुँच गया यहाँ। सर कितना किलो? नहीं, पहले वो जो हम लोग यहाँ पे लेके आए थे, तो फिर उसमें 33 बैग्स निकला, 33 बैग्स में से 405 किलो गांजा निकला उसमें से। मार्केट में कितना भाव होगा उसके? कम से कम 50 लाख से ऊपर ही होगा। आइए भैया।